गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वन क्लासेस स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम टू द चैनल ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ मैजिक द सेकंड सीरीज। जैसे कि आप पिछले क्लास में प्रथम सीरीज में मैथ मैजिक में आपने देखा है, आज हम लोग मैथ मैजिक के दूसरे सीरीज में देखेंगे कि दूसरे सीरीज में हम लोग क्या समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे कि काउंटिंग कैसे हम देखेंगे। तो काउंटिंग देखने के लिए हम जान रहे हैं कि काउंटिंग को आप ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप मैजिक के तहत कैसे उसको काउंटिंग करेंगे, कैसे उसको याद रखेंगे। तो एक मैजिक की तरह आपको याद रखने हैं, जैसे आपको एक यहाँ पे रेम्स की तरह दिया हुआ है, जो रेम्स मैजिक की तरह दिख रहा है और ऐसे मैजिक की तरह है कि आपको याद रखने जरूरी है और काफी आपको मजा आएगा, आनंद भी आएगा इसमें। जैसे आप देखेंगे कि इस रेम्स में दिया है कि 1 1 1 1 little baby eating a bone, यानी एक छोटा सा बच्चा जो है बोन खा रहा है। एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है, एक एक समझ रहे हैं ना, 1 1 1 एक 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 छोटा सा बच्चा, 1 little baby eating a bone, वो बोन खा रहा है। नाउ यू कैन काउंट टू 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 लिटिल चिल्ड्रेन टू 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 लिटिल चिल्ड्रेन गो टू द जू, यानी दो बच्चे क्या कर रहे हैं, जू जू यानी चिड़ियाघर जा रहे हैं। दो बच्चे कहां जा रहे हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं। वन लिटिल बेबी जो है बोन खा रहा है, दो बच्चे जब हो गए तो कहां जा रहे हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं। नाउ यू लिसन इट, थ्री ग्रीन पैरट्स फ्लाइंग फ्री, थ्री ग्रीन पैरट्स फ्लाइंग फ्री, दैट मींस तीन पैरट्स हैं, वो ग्रीन पैरट्स हैं, हरे पैरट्स हैं, हरे तोते हैं और वो फ्री हो गए हैं केज से, यानी पिंजरे से वो फ्री होकर और फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। पिंजरे से फ्री होकर क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं। नाउ यू लिसन द काउंटिंग ऑफ फोर हंग्री पॉप्स वांट टू ईट मोर, दैट मींस चार जो है हंग्री पॉप्स, पॉप्स दैट मींस द सन ऑफ डॉग्स, यानी कुत्ते के बच्चे। तो कुत्ते के बच्चे यानी पॉप्स क्या कर रहे हैं, वो भूखे हैं, तो भूख उनको लगी है, इसलिए वो और ज्यादा खा रहे हैं। और ज्यादा क्या खा रहे हैं, वांट टू ईट मोर, यानी और वो चाह रहे हैं खाने के लिए। नाउ यू लिसन द काउंट ऑफ फाइव, दैट मींस फाइव हनी बीज आर गोइंग टू द हाइव, यानी पांच जो है ये मधुमक्खियां जो है, पांच मधुमक्खियां क्या कर रही है, वो अपने छत्ते के पास, हाइव यानी अपने छत्ते के पास क्या कर रही है, वो पांच मधुमक्खियां जो है अपने छत्ते के पास जा रही है, गोइंग टू द हाइव, यानी अपने छत्ते के पास वो पहुंच रही है। नाउ यू लिसन द काउंट ऑफ सिक्स, हाउ द काउंट ऑफ सिक्स, सिक्स 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 16 nails Shoni has to fix. 666, 16 nails Shoni has to fix. That means 6 जो है Shoni क्या कर रही है, 6 किलो, यानी कि 6 किलो को Shoni क्या कर रही है कि ठक 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 यानी ठोक रही है, यानी Shoni has to fix, उसको फिक्स कर रही है 6 किलो को Shoni, किल यानी कांटी को क्या कर रही है, सोनी उसको ठक 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 यानी कि उसको फिक्स कर रही है, जहां उसे लगाना चाहिए वहां लगा रही है और ठक ठक की आवाज हो रहा है। नाउ यू लिसन द काउंट ऑफ सेवन, दैट मींस सेवन लिटिल ड्वार्फ आर गोइंग टू हेवन, यानी सात क्या है कि ड्वार्फ यानी बौने, बौना समझते हैं ना, जो आप सर्कस में देखते हैं बौने को, कि साथ बौने जो है और गोइंग टू हेवन, एक साथ जा रहे हैं कहां, हेवन
हेवन दैट मीन्स द स्वर्ग, स्वर्ग समझते हैं ना, तो स्वर्ग जा रहे हैं एक साथ, सात भवने जो है स्वर्ग जा रहे हैं. ओके नाउ यू कैन काउंट द काउंटिंग ऑफ इट, 888 888 8 फैट रैट्स जैसे कैट, 8 फैट रैट जैसे कैट, दैट मीन्स 8 8 जो चूहे हैं, मोटे चूहे हैं, फैट रैट्स, मोटे चूहे क्या कर रहे हैं, चेसिंग ए फैट, यानी कि वो बिल्ली से चेस कर रहे हैं, यानी कि साथ साथ दौड़ने का और उसे तेज दौड़ने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं. तो 8 8 मोटे चूहे जो हैं वो बिल्ली से भी चेस करने का, मतलब कि बिल्ली की बराबरी करने का वो प्रयास कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं उसे. ठीक है, नाउ यू कैन काउंट द काउंट 9 9 9 9 9 रेड एंट्स वॉक इन इट लाइन, 9 9 9 9 रेड एंट्स वॉक इन ए लाइन, 9 9 जो चिटिया है, लाल चिटिया है, 9 रेड एंट्स लाल चिटिया है, और लालो चिटिया, लाल चिटिया जो है ये 9 चिटिया वॉक इन ए लाइन, एक लाइन में, एक कतार में वो चल रही है, एक लाइन में क्या हो रही है, 9 चिटिया चल रही है. देन यू कैन काउंट इजिली विद द मैजिक, नाउ लिसन इट एंड अब फिर से इसको एक साथ दोहराएंगे, 1 1 1 1 लिटिल बेबी ईटिंग ए बोन, 2 2 2 2 2 2 चिल्ड्रेन, 2 लिटिल चिल्ड्रेन गो टू जू, 3 3 3 3 ग्रीन पैरट्स फ्लाइंग फ्री, 4 4 4 4 हंग्री पॉप्स, 1 2 ईट मोर 1 2 ईट मोर, 5 5 5 5 हनी बीज़ हाइव हनी बीजर गोइंग टू द हाइव, 6 6 6 6 टिनी नेल्स सोनी हैज टू फिक्स, 7 7 7 7 लिटिल ड्वार्फ आर गोइंग टू हेवन, 8 8 8 8 8 8 8 8 फैट रैट्स चेस ए कैट, 9 9 9 9 रेड एंट्स वॉक इन ए लाइन. देन इतने को इसको आप बार बार क्या करेंगे कि बार बार इसको जब यूज करेंगे तो आपको 9 तक का काउंट तो एकदम इजी होगा, 9 तक का काउंट ऐसे आप जानते भी हैं, लेकिन उस तरह जानते हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस इस प्रकार से होगा कि जैसे अब आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, और क्वेश्चंस बनाने हैं तो इस क्वेश्चन में आप समझ रहे हैं कि जैसे आपको यहां सॉल्व करने हैं, आप ध्यान रखें यहां सॉल्व क्या करने हैं, इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि टिक टिक समझते हैं ना, टिक यानी टिक का मतलब कि आपको टिक लगाने हैं, या टिक का सिंबल लगाना है आपको, टिक मोर मोर दैट मींस ज्यादा जहां है उधर हमें टिक्स लगाने हैं कि किधर ज्यादा है. तो इधर आप ध्यान दीजिए कि इधर है आपके 5 children एंड इधर क्या है आपके ए नंबर में 5 children है और बी नंबर में है 4 chair 5 children और 4 chair टिक मोर यानी जो ज्यादा है उस पर हमें टिक लगा देने हैं. ओके एंड नाउ टिक मोर एक नंबर हुआ, दो नंबर का ए में देखिए कि यहां पे देखेंगे कि 5 floors फ्लोर और बी में होगा, बी में आप देखेंगे कि 3 boards who is the more you can easy tick it and now tick the less, tick the less यानि कम वाले पे टिक लगाने हैं यहां, tick the less 1 में देखिए 1 के ए में है 3 lock और बी में देखिए 4 keys
यहाँ जो है कम में टिक लगाने तो थ्री लॉक्स तीन ताले हैं और यहाँ फोर कीज चार चाबियां हैं. हु इज द लिटिल यू कैन इजी टिकट एंड सेकेंड सेकेंड इज फोर काइट्स ए ऑप्शन फोर काइट्स एंड बी ऑप्शन टू हनी बीज. Who is less? You know it. Two honeybees. That means इसमें आपको क्या करने हैं कि इसमें टिक लगाने हैं कि यहां कम वाले पे टिक लगाने हैं. जिधर कम होगा काउंट में अब काउंट करके देख लेंगे कि जिधर कम होगा उस पर टिक लगाना है. ऊपर वाला जो है इसमें जिसमें ज्यादा होगा उस पर टिक लगाना है. इतना काम आसानी से आप कर सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कोई परेशानी समझ में आपको नहीं आएगा और आप आसानी से इसमें टिक लगा सकते हैं. इसमें कौन ज्यादा है और कौन कम है. नाउ यू कैन राइट सम काउंटिंग नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर टू. राइट सम काउंटिंग नंबर एज फॉर यू हैव टू राइट इट क्वेश्चन टू वन. Okay, one. You will write five times one. One, 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 and now one. It is five times one. And you also have write two question. Two. Two also five times. Two also one, two, three, four, five. Five times. And now third question. Three. Three also five times. And now four. Four also five times. Five also five times. And six also five times. Seven also five times. And eight also five times. And last nine also five times. Okay, it is your homework and you have to write it seriously and take a photo to your parents' mobile and send in my WhatsApp. Okay, it's your homework. Now you listen or now you can do it some questions as for example you can color any animals as a horse, elephant and it is a type of any animal. If you can color then you have to make a picture animals horse rat and other type of animals and color it and take a photo and send my WhatsApp. Okay, aap koi bhi janwar ka agar figure bana sakte ho तो आप जानवर का फिगर बनाओगे और फिगर बनाने के साथ क्या करोगे उसका फोटो लेके मेरे पास जरूर भेजोगे. एंड थर्ड क्वेश्चन यू विल राइट दैट थर्ड क्वेश्चन इट इज ए रेल इंजन. सपोज It is you, and here is first bogie, here is second bogie, here is second bogie, third bogie, fourth bogie, five bogie, six bogie, seven bogie, eight bogies, and nine bogies. We all are joined each other, okay? And he will write the number, the bogies, first, second, four, five. You can do it. And some questions. First, what comes before and after? What comes before
comes before and after 5. What comes before and after 5? 5 के पहले क्या आता है और उसके बाद क्या आता है? As for example, 4 इसके पहले आता है, 5 बीच में होता है, तब इसके बाद क्या आता है? 6 आता है. Okay? यानी कि before 4 and after 6. The 5 before 4 and after 6. Now, you can write second what comes before and after 3. Okay, and also third question, what comes before and after 7, and fourth question, what comes before and after 9. Okay, and fifth question, what comes before and after 2. Okay, you can solve it. If you will solve it, you take a photo and send my WhatsApp. Okay, now I am going to stop your class. I shall again meet you the next classes. That's all. Thank you. Goodbye.